ठीक एक महीने बाद शाहरुख खान का बर्थडे है, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को आज से ही जश्न मनाने का बहाना दे दिया है। सुबह सुबह उठते ही किंग खान ने ऐसी तस्वीर ट्वीट कर दी है जो पूरे दिन लाइमलाइट में रहेगी। पूरे दो दशक बाद काजोल, रानी मुखर्जी और शाहरुख खान एक ही फ्रेम में नजर आए हैं। फिल्म कुछ कुछ होता है कि ये तिकड़ी पूरे 19 साल बाद एक साथ नजर आई है। गौरतलब है कि काजोल और रानी मुखर्जी बहनें हैं, लेकिन इनके रिश्तों की खटास जग जाहिर है। हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान काजोल और रानी मुखर्जी एक दूसरे को नजरअंदाज करती देखी गई थीं। ऐसे में इस बेशकीमती सेल्फी को देख लोग कह रहे हैं कि सिर्फ शाहरुख खान ही काजोल और रानी को एक साथ ला सकते हैं। रोमांस के बाद शाहरुख खान सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी चार्मिंग हैं। उन्होंने सोमवार को एक और तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे श्रीदेवी, करिश्मा और आलिया भट्ट के साथ नजर आ रहे हैं। फिल्म आर्मी में श्रीदेवी के साथ शाहरुख नजर आ चुके हैं, वहीं करिश्मा के साथ उनकी जोड़ी फिल्म दिल तो पागल है में दिखी। वहीं आलिया के साथ शाहरुख खान ने फिल्म डियर जिंदगी के जरिए पर्दे पर खूब धमाल मचाया। इंडस्ट्री की इन लीडिंग लेडीज के साथ इस आई कैंडी तस्वीर के लिए भी लोग शाहरुख का शुक्रिया कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, कुछ रातों को आपके पास मौजूद सितारे आसमान के तारों से भी ज्यादा चमचमाते हैं। शालीन खूबसूरती और प्यार के लिए लेडीज आपका शुक्रिया।